अस्सलाम वालेकुम एएम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू बोथ आर फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 15 ऑफ इस्लामियात क्लास 8। तो जी स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 15 में हमारा जो है बाब नंबर सोम जो है उसकी रीडिंग जो है हम कर रहे हैं। बाब नंबर सोम हमारा कंटिन्यू है और उसमें आज हमारा जो है सबक नंबर वो भी सोम है, अफाए अहद। लेक्चर नंबर 14 में हमने अफाए अहद के पेज नंबर 21 की रीडिंग को कंप्लीट किया था। उसके बाद अभी हमने इसके क्वेश्चंस आंसर जो हैं वो नहीं किए, जो हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। चैप्टर नंबर जो है 21 इसकी रीडिंग हमने कर ली थी, अब हम अपने चैप्टर नंबर जो है 22 उसकी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले बात की थी अफाए अहद यानी के वादे के बारे में, कौलो करार के बारे में और अक़द के बारे में। आज का जो हमारा यहाँ पे है टॉपिक वो है हुस्ने अहद। रीडिंग स्टार्ट करते हैं जी, करें आप लोग भी साथ में। एक बुढ़िया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तफसील से उसका हाल पूछा। पूरी तफसील से हम क्या हाल पूछते हैं, सोचें ज़रा। जब हम पूरी तफसील से किसी का हाल पूछते हैं तो हम उसका हाल पूछते हैं, उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके बारे में हम पूछते हैं, और उनके घर के जो हैं ज़ाती मामलात के बारे में नहीं पूछने लग जाते, सब का हाल अहवाल पूछते हैं और सब की जो हैरियत होती है वो हम दरियाफ्त करते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुढ़िया से की। जब वो चली गई तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आपने इस बुढ़िया की तरफ इस कदर तवज्जो क्यों फरमाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खतीजा के ज़माने में हमारे यहाँ आया करती थी और अहसन अहद ईमान से है, यानी अपने मिलने जुलने वालों से यकसा सलूक करना ईमान की निशानी है। यानी बुढ़िया जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई तो आपने तफसीलन उसका हाल पूछा, तो जब तफसीलन आपने उसका हाल पूछा तो हज़रत जो है आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो देख रही थी, तो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपने इस कदर इस बुढ़िया पर इतनी तवज्जा क्यों दी? तो आपने उन्हें बताया कि जब उनकी जो है सबसे पहली बीवी जो हैं हज़रत खतीजतुल कुबरा जब वो हयात थी, तो तब ये जो ज़ईफ़ा थी तब उनके घर आया करती थी, और हुस्ने अहद ईमान से है यानी कि वो ईमान वाली हैं, वो मुसलमान हैं, वो मोमन औरत हैं और अपने अहद ईमान यानी कि कौलो करार और वादे में पे पूरी उतरने वाली जो हैं औरत हैं। और इस वजह से आपने यहाँ पे ये भी फरमाया कि अपने मिलने जुलने वालों से यकसा जो है सलूक करना ईमान की निशानी है, जो आपके मिलने वाले लोग हैं जो आपके अजीज़ो अकारब हैं उनके साथ आपका सलूक जो है यकसा एक जैसा होना जो है वो ईमान की निशानी है, कि इंसान में किस कदर जो है ईमान उसका मजबूत है अल्लाह पाक की को लेके और उसके रोज़े खशर को लेके, अल्लाह पाक पर इंसान का ईमान कितना पुख्ता है। नेक्स्ट, अफाए अहद दीनदारी की अलामत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला दीना लिमन ला अख्दला, तर्जुमा, जो अपने वादे और कौलो करार का ख्याल नहीं रखता इसमें दीन नहीं, यानी कि जो अपने जो कौलो करार जो बात करता है, किसी से वादा करता है, किसी बात का तहिया कर लेता है और उसमें दीन पूरा नहीं करता, तो उसमें दीन नहीं यानी कि वो इस्लाम पर अमल पैरा नहीं होता। इससे ज़ाहिर होता है कि वादे की पाबंदी दीनदारी की अलामत है और वादे की ख़िलाफ़ वर्जी करना दीन की दीन में कमज़ोरी है, यानी कि जो लोग वादे की पाबंदी करते हैं वो दीनदार हैं, उनका दीन ईमान जो है वो मुकम्मल है, जो ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं उनका ईमान जो है कमज़ोरी की अलामत है, उनका ईमान कमज़ोर है। अहद या अकदो कोलो करार जो बंदा अल्लाह से करता है या बंदा बंदे से करता है, इसको पूरा करना अल्लाह ताला और बंदों का हक़ अदा करना है। हकूक की इस अदायगी का नाम दीन है, और जो शख्स अपने हालिक व मालिक से किए हुए अपने वादे को पूरा नहीं करता वो दीन की रूह से महरूम है। जब हम अल्लाह ताला से वादा कर लेते हैं कि अल्लाह पाक हमारा हमें जो ये मुश्किल है, जो हमारा मुश्किल काम है वो हो जाए, तो हम अल्लाह की राह में क्या करेंगे, हम मुस्तहिक लोगों को गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे, लेकिन जैसे ही काम हुआ तो हमने जो वादा किया जो कौलो करार किया
जो हमने नवाफिल माने हमने उनसे क्या किया, हमने भूल गए, हमने जो कौलो करार अल्लाह ताला से किया, वादा किया, उसको पूरा ना किया। या फिर हम बंदे से करते हैं कि जब किसी काम के लिए कौलो करार करते हैं लेकिन जो है फिर हम उसको पूरा नहीं करते। इसको पूरा करना अल्लाह और बंदों का हक अदा करना है। जो आपने अल्लाह ताला से और बंदों से वादा किया तो आप पे क्या है, आपका हक बनता है कि आप उसको अदायगी उसकी अदायगी करें। और हकूक की इस अदायगी का नाम दीन है, और जब आप लोगों के हकूक अदा करेंगे तो इसी का नाम दीन है। और जो शख्स अपने हालिक मालिक से किए वादा पूरा नहीं करता वो दीन की रूह से महरूम है, यानी कि वो दीन से जो वो दायरा इस्लाम में तो दाखिल है लेकिन उसने दीन से खातर ख्वाह कुछ हासिल नहीं किया, और वो सारे फरमान पढ़ने के बावजूद भी वो दीन की रूह से महरूम है, उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। हमें भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर अपने तमाम वादों और कौलो करार की पाबंदी करनी चाहिए, ताकि हम भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सादक और अमीन कहला सकें। हाँ जी, तो अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें तो अपने तमाम वादों और कौलो करार की पाबंदी करें तो क्या हम सादक और अमीन कहलाने के हकदार नहीं हैं? जब हम उनके उम्मती हैं तो हम उन्हें मानते हैं, तो हम में ये सिफ्त जो है, इस सिफ्त को बरकरार रखना या इस सिफ्त को खुद में कायम करना जो है वो नामुमकिन काम नहीं है। अगर हम अपने कौलो करार और वादों की पाबंदी करें तो हमें भी ये जो लकब है, अगर कोई अता करे या ना करे लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हमें देखती है कि हम किस कदर सादिक और अमीन हैं, और अपनी ज़ात जो है वो सबसे बड़ा इंसान का मुतालिया जो है इंसान वो खुद करता है। इन सारी चीज़ों पे अमल पैरा होकर हमें सबसे बड़ा यहाँ पे सबक क्या मिलता है कि अगर हम सब पे अमल करें तो हम भी इन सफ़ात के मालिक बन सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 3 का उसका जो रीडिंग है वो कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में इसका क्या है जी, सबसे पहले है इसका क्वेश्चन नंबर 1, फ़ाय अहद से क्या मुराद है। अब इसका आंसर जो है ये टॉपिक स्टार्ट में है तो हमें इसका आंसर पेज नंबर 21 पे मिलेगा। हाँ जी, फ़ाय अहद से क्या मुराद है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, यहाँ से किसी से जो वादा या कोलो करार किया जाए इसको पूरा करना वादे की पाबंदी या अफायहद कहलाता है। ये सिर्फ अल्लाह की भी है और सच्चे लोगों की भी अलामत है। यहाँ तक जो है आप आंसर करेंगे, और अगर आप इसके बारे में ये कोई कुरान पाक का हवाला और कोई आयत साथ में लिख दें तो दी बेस्ट है। थोड़ा सारा जो है वो ख़ुद को थोड़ा सा है अपने जो वोकेबलरी है उसको थोड़ा सा आप बढ़ाते जाएं तो ये आप साथ में ज़रूर कर लें। लेकिन बहरहाल अगर आपसे ना हो तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ला युखलिफुल मियाद का तर्जमा लिखें। तो ये भी इसका आंसर भी हमें पेज नंबर 21 पे मिलेगा जी। तो यही जो मैंने आपको आगे बताया कि आप इसको इंक्लूड करें, आप करें या ना करें, अब ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। यहाँ से ला युखलिफुल मियाद, और आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो आप इसमें आयत का हवाला भी देंगे, उसका नंबर भी बताएंगे और उसका तर्जमा भी यहाँ पे आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वा अख़ु बिल अहदी इन्नल्लाहा काना मसूलन, यानी कि इसका क्या करना है, तर्जुमा लिखें। इसका तर्जुमा है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36, क्वेश्चन नंबर जो है वो 3, ये है इसका आंसर, और हवाला भी साथ आप में ज़रूर देना है। उसकी आयत जो है आयत मुबारक, उसका आप हवाला ज़रूर साथ लिखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अक़द के लफ्ज़ी मायनी क्या हैं। अक़द के लफ्ज़ी मायनी पेज नंबर 22 में स्टार्ट पे आपको नज़र आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, अक़द के लफ्ज़ी मायनी गिरा लगाने के हैं, इससे मुराद लेन देन और मामलात में अपने तहरीरी और ज़ुबानी वादों का ख्याल रखना। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5, हदीस मुबारक में दीनदारी की अलामत किसे करार दिया गया है। हदीस मुबारक यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दीनदारी की अलामत किसे दिया कहा गया है जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने इनका फरमान लिखना है, जो अपने वादे और कौलो करार का ख्याल नहीं रखता, इसमें दीन नहीं। ये इससे ज़ाहिर होता है कि वादे की पाबंदी दीनदारी की अलामत है, और वादे की खिलाफ वर्जी करना दीन में कमज़ोरी की अलामत है। यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये वाली फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड हाफ लाइन, यहाँ तक आपका जो है वो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 15 में हमने जो है अपना चैप्टर नंबर 3, इसकी हमने रीडिंग कंप्लीट की, और मैंने आपको इसके क्वेश्चन के आंसर्स भी इसी में बता दिए। इसमें हमारे पास ना तो कोई एमसीक्यूज है, ना खाली जगह है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर हैं, 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं। इनको आपने बहुत अच्छे से याद करके आना है, जो जो साथ में तर्जुमे हैं क्वेश्चंस के और साथ हवाले हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करके आएँ और बहुत अच्छा जो है छुट्टियों के बाद हमें रिज़ल्ट दें। विश यू बेस्ट ऑफ लक।